आप देख रहे हैं इंडिया तेजस्वी खबर। न डरते हैं न डराते हैं, सब सामने लाते हैं। खरगोन जिले के महेश्वर में पुलिस ने आईपीएल के सट्टे को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। नवागत एसपी सिद्धार्थ चौधरी की विशेष टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने 1,44,000 रूपए कैश के साथ 5 आरोपियों को मौके से पकड़ा। इस दौरान 36 मोबाइल, 3 लैपटॉप सहित बड़ी मात्रा में उपकरण पुलिस ने जब्त किए। बीती रात आईपीएल के चेन्नई और सनराइजर्स के बीच चल रहे मैच के दौरान खरगोन जिला मुख्यालय से पहुंची विशेष टीम ने कार्रवाई की। आईपीएल का सट्टा भाजपा नेता भूपेन जैन के मकान में चल रहा था। नवागत एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने मीडिया को कहा कि भूपेन जैन के मकान पर छापामार कार्रवाई कर पुलिस ने आईपीएल के सट्टे पर कार्रवाई की है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि सट्टा चल रहा है, विवेचना चल रही है। पुलिस को आशंका है कि पकड़े गए आरोपियों के तार किसी बड़े गिरोह नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। महेश्वर में भूपेन जैन नामक व्यक्ति जो अपने घर से एक आईपीएल के मैच, जो कल हैदराबाद चेन्नई के बीच मैच था, उसमें सट्टे की बात सामने आई थी। दो इंस्पेक्टर दीपक और सुदर्शन के नेतृत्व में यहाँ से दल भेज के उनको पकड़ा गया। उनके कब्जे से सट्टे के जो उपकरण थे, टीवी, मोबाइल, 36 मोबाइल, लैपटॉप्स और नगद 1,44,000 रुपये राशि जब्त किया गया है। उनके पास लाखों की सट्टे की हिसाब किताब भी मिला है। पुलिस ने सभी उपकरणों को जब्त किया है। साथ में उनके खिलाफ फर्जी सिम उपयोग करने के संबंध में भी धाराएं बढ़ाई गई हैं। जी, किसने का कितने का? 1,44,000 रुपये राशि जब्त किया गया। कितने आरोपी सर उसमें? कुल मिला के 5 आरोपी हैं। कौन सा टीम पर सर? हमारी जो साइबर टीम है उसको सूचना मिली थी और उनके द्वारा कार्रवाई की गई। इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उसके सामने अनुसंधान में हम जो है अग्रिम कार्रवाई करेंगे। जिस मैच के लिए सर आईपीएल के मैच जो कल चेन्नई और हैदराबाद के बीच में था, उस मैच में ये सट्टा हो रहा था। जो पकड़ा गया सर भाजपा नेता है, जिसके मकान से कुछ इसमें भी हमें जानकारी नहीं है। अपराधी जो गिरफ्तार किए गए उन सभी जो मिले थे उनको गिरफ्तार किया गया। सादिक खान की रिपोर्ट।